हाँ तो हीरो, हमारा जो पिछला लेक्चर छूटा था, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि अनंत लंबाई के, ठीक है, चालक तार पे अगर रेखीय आवेश घन तो लेमडा हो तो उससे आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र निकाल के लाए थे इज इक्वल टू 1/2 πε0 लेमडा बाई क्या आर। आज हम चाहते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक समतल चादर है इस तरीके की, ठीक है, एक समतल चादर है, इसपे एक समान धनावेश ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है, इस पर एक समान धनावेश ऐसे बिखरा हुआ है, बातें बहन, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना मान लिए ए। हम चाहते हैं इस चादर के कारण, जैसे दीवार है एक चादर के रूप में है, ए बोर्ड है एक चादर के रूप में है, इसकी दो सतह है, एक इस साइड है एक उस साइड, दो सतह है तो दोनों पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु है पी, यहां पर एक बिंदु क्या है पी। हम चाहते हैं कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सके, ठीक है, इस चादर से आर दूरी पर उत्पन्न, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, यहां पर हम चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सके, तो एक काम करो बहुत आसान था, एक पाइप लो इसे घोप दो, ठीक है, पाइप लेके घोप दोगे तो पाइपिया ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब कुल तीन सतह मिलेंगे, एक इस साइड वाला ये मिलेगा, तो मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना मान लिए, और वैद्युत क्षेत्र ऐसे सीधे निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ऐसे रहेगा भाई, अगर इस पर आवेश हो तो इसका वैद्युत क्षेत्र ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, जीरो अंश। अच्छा इसका भी मान लो, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, अब वैद्युत क्षेत्र क्योंकि एक पृष्ठ दूसरा वाला पृष्ठ होगा, क्योंकि ऐसे अगर कोई चादर है तो इसके दो पृष्ठ होंगे, एक इस साइड है और एक इस साइड। अच्छा थीटा कितना होगा, जीरो, थीटा कितना होगा, कुल कितनी सतहें मिल गई आप लोगों को, एस वन एस टू, और एक काम करो अगर ये बेलन है तो इसका यहां पर भी कुछ सतह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऊपर होगा और यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर होगा, कोण कितने है उसका, कोण, कौन से सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा, कौन से वाले से, क्योंकि ई और ए वेक्टर के बीच का कोण कितने अंश का है। अगर आपसे कहा जाए कि कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए, फाइनेट बताइए, जब आप फाइनेट बताएंगे तो क्या लिखेंगे, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस क्या, कुल कितनी सतह हमको मिली है, तीन। अरे भैया एक सतह ए वाला हो गया, एक सतह इधर मिलेगा और एक इस पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तीन सतह मिलेगा। अच्छा फाइव नेट जब आप लिख रहे होंगे तो फाइव वन को लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, सरफेस कौन सा, वन, और इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि आपने बहुत छोटा क्षेत्रफल लिया ना तो बहुत कम फ्लक्स जाएगा, और सरफेस कौन सा, टू, और सॉरी सरफेस थ्री, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि एस थ्री से गुजरने वाला, एस थ्री से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स शून्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि ई वेक्टर तथा डी ए वेक्टर के बीच का कोण, कोण 90 अंश है, कोई दिक्कत इसमें, हम चाहते हैं यहां से आर दूरी पर एक बिंदु कौन सा स्थित है, पी, हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो अब एक काम कर लेते हैं, यह वाला तो जीरो हो गया, ये बचा तो फाइव एट, आप क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे, अच्छा ई बाहर निकाल लो, ई बाहर निकाल लिए, डी ए कॉस कितने अंश, और फिर यहां लिखेंगे ई बाहर निकाल लिए, सरफेस टू, डी ए कॉस कितना आंसर, कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान, तो फाइव नेट कितना आ गया, आएगा। अच्छा ये बताओ अगर इस बोर्ड का क्षेत्रफल जब 2 मीटर स्क्वायर हो तो उस साइड कितना होगा, पक्का ना, अरे भैया जितना लंबा दीवार यहां रहा उतना लंबा उधर होगा कि नहीं होगा, जितना चौड़ा यहां रहा उतना चौड़ा वहां होगा कि नहीं होगा,
यानी कि हम कह सकते हैं कि DA इज इक्वल टू कितना है A, ये सरफेस वन, और ऐसे ही सरफेस टू का भी होगा कि नहीं होगा A, तो यहां पर इसका इंटीग्रल पूरा क्षेत्रफल इस चादर का कितना माना गया है A, पूरा इस चादर का क्षेत्रफल मान लिया, कितना मान लिया A, अभी किसी प्रकार की भी चादर हो सकती है, हो सकता है वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, किसी भी कार का हो सकता है, ये नहीं पता है हुंडई है कि टाटा है कि नैनो है ना, बस ये है किसी भी कार का है और उसका क्षेत्रफल कितना मान लिया A, तो फाइनल क्या लिखोगे ई ए प्लस क्या दोनों जोड़ दोगे तो क्या आएगा टू ई, अच्छा नेट मतलब क्या है जल जिसमें आजकल तुम लोग फंस जाते हो, वाई नेट मतलब कुल, नेट मतलब क्या हुआ कुल, अच्छा गॉस भैया कहा बोल के गए थे गॉस के ये मानू हाँ किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल बाय दो उसके द्वारा घेरे गए कुल आवेश का वन बाय एप्सिलॉन नॉट कोई दिक्कत, अच्छा तो लिखोगे समीकरण एक तथा दो से दोनों बराबर कर लो q by epsilon naught टू ई ए, ठीक है टू ए को डिवाइड कर दो, टू ए को डिवाइड कर दो तो ई बराबर क्या आएगा q by टू epsilon naught ए, और तुम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यों भाई A. या क्यों भाई ये है कि नहीं है ई इक्वल टू सिग्मा भाई क्या आया टू एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर ई क्या है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बातें सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 10^-12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर डाल दीजिए।